इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट न्यूमेरिकल देखेंगे, जैसे कि आपका वेंचुरीमीटर बेस, नोजल बेस और जो हमारे फ्लो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनके बेस पे न्यूमेरिकल देखा जाएगा। देखिए पहला क्वेश्चन, ए नोजल इज फिटेड इन ए हॉरिजेंटल पाइप डायमीटर 15 सेंटीमीटर, ठीक है, कैरिंग ए गैस ऑफ डेंसिटी इतने फॉर द पर्पज ऑफ फ्लो मेजरमेंट। हमें कोई गैस का फ्लो मेजर करना है तो हमने नोजल यूज किया। गैस के फ्लो मेजर करने के लिए हमने नोजल सिस्टम यूज किया। तीन होता ना, ऑरिफिस होता है, वेंचुरीमीटर होता है और नोजल टाइप होता है। तो नोजल यूज किया तो इसमें ये कह रहा है ये वाला जो एरिया है जो बड़ा वाला होता है, ठीक है, वो 15 सेंटीमीटर है और जो गैस है उसकी डेंसिटी 1.15 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है। यही होता है नोजल, सीधे सीधे उसी पाइप में जिस मेन पाइप से गैस बह रही है उसमें इसी को लाके फिट कर देते हैं बीच में कहीं, ठीक है। तो ये वाला जो डायमीटर है, पहला वाला जो A1 होता है, वो उतना ही होना चाहिए जितना पाइप का है, ठीक है। ये वाला A2 होता है, दूसरा वाला, तो ये है, तो 15 सेंटीमीटर ये डायमीटर हो गया। जो प्रेशर का डिफरेंस निकाला जा रहा है, ऐसे दो पॉइंट पे हम लेते हैं जहां एरिया ज्यादा है और जहां एरिया कम है, तो प्रेशर का डिफरेंस जो आ रहा है वो आ रहा है आपका 10 सेंटीमीटर। किसके फॉर्म में? जैसे हम लोग जनरली मरकरी लेते हैं, यहाँ किसी ऑयल के फॉर्म में दिया है। 10 सेंटीमीटर आ रहा है तो ये 10 सेंटीमीटर हो गया। ये जैसे 10 सेंटीमीटर ऑफ किसका? ऑयल का। 10 सेंटीमीटर ऑफ ऑयल जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या दी हुई है? 0.8। स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है दो डेंसिटी का रेशियो, मतलब डेंसिटी ऑफ ऑयल अपॉन डेंसिटी ऑफ H2O रेफरेंस, ठीक है। तो इस तरह से इसमें वाटर की डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दोगे तो इसकी डेंसिटी आ जाएगी स्पेसिफिक ग्रेविटी में। तो देखिए ऑयल की डेंसिटी निकलेगी जो इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी दी है, इसी में वाटर की डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देना होता है। तो वाटर की 1000 होती है किलोग्राम पर मीटर क्यूब, तो हो गया 800 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो ऑयल के रिस्पेक्ट में निकाला गया। उसके बाद दिया है कोफिशियंट ऑफ डिस्चार्ज कितना है? 0.8। और क्या है? डायमीटर ऑफ नोजल, नोजल जो छोटा वाला है इसको ये बोलते हैं, ये वाला, ये नोजल हो गया। और मेन इसको बोला जाता है जो बड़ा वाला डायमीटर होता है पाइप, और छोटा वाला जो होता है A2 वो डायमीटर ऑफ नोजल, वो कितना है? 5 सेंटीमीटर। तो इसमें दो ही डायमेंशन दी रहती है, तो एक कोई, ठीक है, ये पाइप का हो गया, ये नोजल का हो गया। A1 हो गया, आई एरिया निकाल लोगे पाई डी स्क्वायर बाई 4, ऐसे A2 पाई डी स्क्वायर बाई 4 D2, यहाँ डायमीटर हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। इस तरह से एरिया निकल आएगा। और चीज़ें क्या हैं? गैस जो फ्लूड जो फ्लो हो रहा है वो क्या है? इसमें गैस है, तो उसी गैस का फ्लो रेट निकालने के लिए हमने ये पूरा सेटअप तैयार किया है। और ये आपका 10 सेंटीमीटर, बाकी चीज़ें ठीक है। चलिए गैस फ्लो रही है, पहले हम एरिया निकाल लेंगे A1 और A2। पाई बाई 4 इंटू डी स्क्वायर, तो डी की वैल्यू है आपका 5 सेंटीमीटर, तो 0.15। ऐसे यहाँ A1 है ना, ये A1 है तो 15 सेंटीमीटर 0.15, यहाँ से मीटर में आ गया। ऐसे आप A2 निकाल लोगे, 5 सेंटीमीटर है तो मीटर में 0.05, यहाँ से A1 A2 आ गया। ये देखिए यहाँ डेंसिटी ऑफ ऑयल कैसे निकालोगे? स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया है उसी में वाटर की डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.8 दी हुई है, तो वाटर की डेंसिटी होती 1000, उसी से मल्टीप्लाई कर दी है, तो 800 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो ये जो है जिसमें ऑयल भरा हुआ है उसकी डेंसिटी आ गई 800 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। बाकी इसमें जो फ्लो हो रहा है वो गैस है, उसकी डेंसिटी दी हुई है, ठीक है, 1.15 kg पर मीटर क्यूब। ऑलवेज जो है ये जो फ्लो होगा उसकी डेंसिटी कम होगी, और ये यहाँ जो भरा जाएगा जैसे मरकरी या वो, तो उसकी डेंसिटी ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ तक हो गया, अब हमें क्या करेंगे? अच्छा ये चीज़ यहाँ अभी हमने लिख दिया है, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस स्पेसिफिक ग्रेविटी इंटू रो ऑफ H2O। चलिए कोई बात नहीं, तो हमने रिपीट कर लिया। अब हमें जो प्रेशर दिया है
वो एग्जैक्ट वैल्यू न्यूटन पर मीटर स्क्वायर नहीं दिया है, हाइट के फॉर्म में दिया है। जैसे यह रहता है ना इतने mm ऑफ Hg, तो यहाँ दिया है 10 सेंटीमीटर ऑफ ऑयल, तो इसी को प्रेशर में कन्वर्ट कर लीजिए, 10 सेंटीमीटर ऑयल। तो एच रोजी लगाते हैं ना, एच रोजी करते हैं, केवल हाइट दिया है ना भाई, हाइट दिया रोजी से मल्टीप्लाई कर दो, हाइट किसका है ऑयल का, तो ऑयल की डेंसिटी और जी से मल्टीप्लाई कर दोगे। इसमें होता क्या है, हम लोग एच रोजी पढ़ते हैं लेकिन रो में जब आप प्रेशर वाली यूनिट पढ़ोगे तो इससे फ्लो क्या हो रहा है, गैस फ्लो हो रहा है, तो गैस से गैस वाला माइनस कर देते हैं। जनरली ये नहीं लोगे तो थोड़ा सा एरर आएगा, इसलिए एग्जैक्ट वैल्यू हमें तो एग्जैक्ट लेना है। तो 800 माइनस क्या फ्लो हो रहा था, आसपास उसके क्या था, गैस था, तो ये एग्जैक्ट आ गया डेल्टा पी। मतलब हाइट को हमने कन्वर्ट कर दिया, ये हाइट को हमने ये कन्वर्ट कर दिया इसे मल्टीप्लाई करके न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। चलिए यही आ गया। वेलोसिटी निकालना है, वेलोसिटी या वॉल्यूम फ्लो रेट जो भी निकालना होगा देख लेते हैं। तो वेलोसिटी होता है CD अपॉन अनरूट 1 माइनस A2 बाई E1 होल स्क्वायर अनरूट 2 डेल्टा पी बाई रो। वॉल्यूम फ्लो रेट हो जाएगा A2 से मल्टीप्लाई कर दो, V2 है, V2 में किससे मल्टीप्लाई करोगे, V2 के साथ एरिया आता है A2, A2 से मल्टीप्लाई करोगे, समझ गए। तो ये चीज सीधे सीधे लिखी हुई है Q, ये Q लिखा हुआ है, आगे आइए। अब हमें क्या करना है, बस इसी क्यू, जनरली हम लोग क्यू ही निकालते हैं क्योंकि V2 क्या है, डिफरेंट, जहां एरिया कम होगा V2 ज्यादा हो जाएगा, क्यू हमेशा हर जगह सेम रहेगा, इसलिए हम लोग क्यू ही निकालते हैं। चलिए CD की वैल्यू दिया है डिस्चार्ज कोफिशियंट 0.08, ये पुट कर दिए, A2 ये निकाल लिया होगा 1 माइनस A2 बाई A1 होल स्क्वायर, ये बस पुट करना है, अंडर रूट 2 डेल्टा पी आप निकाल लियो, रो किसकी लोगे, जो पाइप से फ्लो हो रहा है, पाइप से क्या फ्लो हो रहा है, क्या चीज हमें मेजर करनी है, गैस कितनी तेजी से फ्लो हो रहा है, गैस की वॉल्यूम फ्लो रेट क्या है, तो गैस यहाँ जो फ्लो हो रहा है वो गैस है, ठीक है, ये गैस है, तो गैस की डेंसिटी, क्योंकि इसमें कई डेंसिटी दी रहती है, आपको बस ये ध्यान देना है कि कौन सी हमें यूज करनी है, इस पाइप से क्या फ्लो हो रहा है, गैस फ्लो हो रहा है, तो गैस की डेंसिटी आप यूज करोगे, बस सारी चीजें। देखिए एरिया आपका यहाँ निकला ही है, सारी चीजें हमने ऑलरेडी निकाल ली है, ठीक है। A1 A2 इसलिए पहले निकाल लेते हैं क्योंकि क्यू में ऊपर A2 का टर्म आता है, तो A2 तो आपको निकालना ही पड़ेगा, अदरवाइज डायमीटर के फॉर्म में भी यहाँ आप रख सकते हो, डायमीटर के फॉर्म में। तो ये देखिए A2 है, A2 वाला टर्म ये हो गया, तो यहाँ ऊपर भी A2 आता है, तो ये हो गया, और A1 ये हो गया, बाकी डेल्टा पी देख लीजिए क्या आ रहा था, यहाँ डेल्टा पी आ रहा था 782.873, और रो की वैल्यू इसकी दी हुई थी 1.15। तो इस तरह से आप जब कैलकुलेट करोगे, इसका अगला स्टेप क्या होगा, हमने बहुत सारे स्टेप छोटे छोटे करके लिखे हैं, ऊपर मल्टीप्लाई करने के बाद ये टर्म आया, और नीचे स्क्वायर करने के बाद ये, और उसका अंडर रूट वाला ये है, और सिंप्लीफाई करिए तो ये आ गया मीटर क्यूब पर सेकेंड, ठीक है, सेंटीमीटर में कर दीजिए 5893.957 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, ये आपका आंसर हो गया। तो फर्स्ट मेथड ये हो गया, दूसरा मेथड देखा जाए कैसे करते हैं, ठीक है। मेथड नंबर टू, हमें क्या करना है, जो हमारा फॉर्मूला था यहाँ क्या आ रहा था, यहाँ हमारे पास आ रहा था फॉर्मूले में, इसी को हटा देना है, 2 डेल्टा पी बाई रो, समझ गया। तो इसका एक फॉर्म और भी है, इस तरह से दोनों ये बराबर होते हैं, ठीक है, 2gh, h क्या है, फ्लूइड की हाइट है, ठीक है, h जो है फ्लूइड कौन सा, जो फ्लो हो रहा है उसके फॉर्म में लिखा जाए, समझ गया। अब देखिए कैसे है, बाकी चीजें वही रहेंगी, देखिए हमारा देखिए हमने क्या किया, हमने जो है यहाँ जो आपका प्रेशर आया था ऑयल के हाइट के फॉर्म में आया था, हमने दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, जो फ्लोइंग फ्लूड है जो पाइप से बह रहा है, अगर उसकी हाइट के फॉर्म में देखोगे तो क्या आएगा, तो अगर उसकी हाइट पता है,
उस टर्म को यूज करके अगर हमें निकालना है तो आप इस इक्वेशन से निकाल सकते हो। तो अब देखिए कैसे कन्वर्ट किया गया है, ऑयल की हाइट को हमने फ्लूड की हाइट में, आपको पता है दोनों प्रेशर सेम होते हैं, पी इधर डेल्टा पी इक्वल टू डेल्टा पी, इधर वाला डेल्टा पी क्या है, एच ऑयल दिया हुआ था, एच रो जी, रो क्या करेंगे, रो ऑयल माने रो फ्लूड, फ्लूड वैसे गैस है तो मैंने फ्लूड लिख दिया है, इससे फ्लो क्या हो रहा था, गैस फ्लो हो रहा था ना, इंटू जी, इधर वाला टर्म, इधर वाला एच ऑफ फ्लूड रो ऑफ फ्लूड इंटू जी, तो यहां से आपको सारी चीजें पता है, बस एच ऑफ फ्लूड निकालना है, बस देखिए आपको ये 800 मिल गया था और ये 1.15, जो गैस बोलिए या फ्लूड बोलिए, इसको एच ऑफ गैस भी बोल सकते हो, बट हम जनरली फ्लूड ही यूज कर रहे हैं, वही जो इससे फ्लो हो रहा है पाइप से, फ्लूड या गैस, तो उसकी हाइट कितनी आ गई 69.47 मीटर, ठीक है, ये बस न्यूमेरिकल पर्पज के लिए है, बाकी तो पुट तो हम तो ऑयल या मरकरी ही करेंगे, बट ये न्यूमेरिकल पर्पज से है, तो इसके फॉर्म में आ गया, अब इसी फॉर्म में बस इसी क्वेश्चन में पुट कर दीजिए, क्यू हमारा क्या है, नेक्स्ट देखिए ये है, तो बाकी सब तो वही रहेगा, ये वाले चर में कोई चेंजेज नहीं है, ये वाले में कोई चेंज नहीं है, ये में 2GH क्या है, फ्लूड की हाइट, तो ये आ गया आपका 58293.92 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, सेम आंसर जो पहली केस में आया था, ये और ये दोनों आंसर सेम है। तो इस तरह से हम मरकरी ऑयल की हाइट को दूसरे फ्लूड की हाइट में किसी भी हाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है, बस उसकी हमें डेंसिटी पता होनी चाहिए जिसमें हम कन्वर्ट करने जा रहे हैं, ठीक है, ऑयल में वो ये क्यों माइनस होगा, क्योंकि ये फ्लो हो रहा था, तो जनरली हमने उसी के फॉर्म में निकाला कि उसके रिस्पेक्ट में कितनी हाइट आएगी उस सेंस में, ठीक है, दो मेथड हो गया, पहला मेथड ये था, दूसरा ये वाले फॉर्मूले से, नीचे भी इसकी कोई जरूरत नहीं है, ये जो चीज लिखी हुई है वही चीज लिखी हुई है, हमने बस फ्लूड की जगह गैस लिख दिया है, वही उससे कोई अलग चीज नहीं है, तो इसको कोई, और हमने जो एरिया है इस तरह से लिख दिया D1 D2 के फॉर्म में, तो इसमें कोई नई चीज नहीं है, बट आप देख लीजिए प्रेशर हमने कैलकुलेट कर लिया 2 ΔP/ρ, यहां से ये आ गया, ये बता रहे हैं इसके दूसरे मेथड से कर रहे हैं, हाइट ऑफ फ्लूड या हाइट ऑफ गैस, देखिए यहाँ जब गैस लिखोगे तो यहाँ ऑयल से क्या ऑयल ये था इसके टर्म में आया था और उस पाइप से फ्लो क्या हो रहा गैस, तो गैस माइनस कर दिए इसकी डेंसिटी, तो ये वाला ये टर्म हो गया, इसीलिए यहाँ माइनस किया जाता है, अगर माइनस नहीं करोगे थोड़ा सा एरर आएगा, तो वही चीज़ें जो पहले वाला इसके जस्ट मेथड नंबर 2 हमने डिस्कस किया था, वही चीज़ें, बस हमने एरिया को इस तरह से लिखा है और कुछ नहीं, चलिए ठीक है, तो रीडिंग आंसर तो सेम ही आएगा इसमें, तो इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 2, नेक्स्ट क्वेश्चन, वेंचुरीमीटर है, वेंचुरीमीटर का डायग्राम ऐसे बना लीजिएगा, देखिए दो डायमीटर दिया रहता है, थ्रोट का डायमीटर जो पतला होता है वो थ्रोट बोलते हैं 60 mm, और मेन जो होता क्या है, जैसे ये वेंचुरीमीटर का शेप है, जिस फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करना होगा उसको वो यहाँ से फ्लो करेगा, मतलब मान लो पाइप से पानी फ्लो हो रहा है तो ये पूरे सेटअप को उसी पाइप में ले जाके बीच में कहीं बैठा देंगे, ये पूरे सेटअप को, तो इसका मतलब ये वाला जो ये पूरा है इसका डायमीटर वही उतना ही होना चाहिए जितना पाइप का, अदरवाइज सेट बैठेगा नहीं, तो इसीलिए इसको बोला जाता है डायमीटर ऑफ पाइप, ठीक है, तो ये है थ्रोट डायमीटर 60 mm, पाइप का डायमीटर 100 mm, दो डायमीटर ही दिया रहेगा और कुछ नहीं दिया रहेगा डायमीटर के सेंस में, और क्या निकालना है, वॉल्यूम फ्लो रेट, अच्छा ये बता रहा है कि वेंचुरी मीटर यूज किया गया जिसका डायमीटर थ्रोट का ये पाइप का ये था, क्या मेजर करने की, वॉल्यूम फ्लो रेट, ठीक है ओके, लेट द वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट थ्रू द ट्यूब इज 0.08, अच्छा वॉल्यूम फ्लो रेट दिया हुआ है ओके, डेंसिटी ऑफ वाटर दी हुई है, विस्कोसिटी दिया हुआ है, रेनॉल्ड्स नंबर निकालना है, इफ द डिस्चार्ज कोफिशिएंट इज 0.99 डिटरमाइन द अपस्ट्रीम टू थ्रोट प्रेशर डिफरेंस, अच्छा अपस्ट्रीम मतलब यहाँ वाला प्रेशर और डाउनस्ट्रीम थ्रोट के बाद वाला, मतलब वही जो हमारे
दोनों प्रेशर जहां हम मेजर करते हैं, ये जब एंट्री करता है तो उसको अप स्ट्रीम कहते हैं, थ्रोट के बाद जब जाता है तो उसको डाउन स्ट्रीम कहते हैं। तो P1 P2 दोनों प्रेशर का ऑलमोस्ट, यहां बोलिए यहां बोलिए यहां तो प्रेशर वही रहेगा। तो P1 P2 जो हम लोग टैप लगाते हैं, P1 होता है थ्रोट के पहले तो अप स्ट्रीम होगा, थ्रोट के जस्ट बाद या थ्रोट पर वो डाउन स्ट्रीम हो जाता है। तो इन्हीं दोनों प्रेशर का डिफरेंस निकालना है। और हमें Q दिया है, फ्लो रेट दिया है, देखा जाए कैसे होगा। चलिए, और रेनॉल्ड्स नंबर निकालना है। देखिए लिखा हुआ वेंचुरी म्यूटेड थ्रोट डायमीटर इतना, इट प्लेस्ड इन ए वाटर पाइप, मतलब पाइप से हमें वाटर फ्लो हो रहा है, वाटर पाइप में तभी वाटर की डेंसिटी दी हुई है। चलिए आइए, P1 अप स्ट्रीम प्रेशर, यहां से सॉल्यूशन शुरू हो गया। P2 होता है डाउन स्ट्रीम प्रेशर या थ्रोट प्रेशर, ठीक है, ये वाला अप स्ट्रीम P2 जस्ट इसके आसपास, इसके बाद वाला थ्रोट या थ्रोट के बाद, तो ये डाउन स्ट्रीम प्रेशर हो गया। यहां तो P2 जस्ट इसी पे लगा देते हैं, ठीक है, P2 जस्ट थ्रोट वाला एकदम इसी पे ही लगाते हैं, तो ये थ्रोट प्रेशर हो गया। ठीक है, A1 बड़ा वाला एरिया पाई बाई फोर डी वन स्क्वायर, A2 छोटा वाली एरिया, छोटा वाला एरिया जो थ्रोट वाला एरिया है पाई बाई फोर डी टू, तो यहाँ डी वन बड़ा वाला हो जाएगा और डी टू छोटा वाला हो जाएगा, तो ये आ गया मीटर स्क्वायर में। उसके बाद क्यू होता है ए टू वी टू, ये चीज़ तो हो गई ना, यहाँ यहाँ तो केवल एरिया निकाले हैं। उसके बाद क्यू होता है ए टू वी टू, क्यू दिया हुआ है ए टू वी टू, हम थ्रोट पे डिसाइड करेंगे कि थ्रोट पे वेलोसिटी क्या है, क्यू हर जगह सेम रहेगा, तो वी टू क्या हो जाएगा, वी टू थ्रोट क्यू अपॉन ए टू थ्रोट, ए टू हमने निकाल लिया है, ए टू देखिए ऊपर ये वाला नीचे वाला ए टू 2.8260 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, इस तरह से हम ए टू पुट कर देंगे। तो उसके बाद ये आ गया, वेलोसिटी आ गई, थ्रोट पे कितनी वेलोसिटी होगी, रेनॉल्ड्स नंबर होता है वी डी रो बाई ईटा, तो V सब चीज एक ही पॉइंट पे होना चाहिए ना, V तो वेलोसिटी थ्रोट, D तो डायमीटर थ्रोट, रो फ्लूइड जो पानी में बह रहा है, N सॉरी ईटा विस्कोसिटी। अब देखिए V2 थ्रोट आपने निकाल लिया है 28.309, यही तो है, थ्रोट पे वेलोसिटी कितनी है 28.309, डायमीटर 60 कम वाला, फ्लूइड की डेंसिटी कितनी है, वाटर फ्लो हो रहा है तो वाटर की डेंसिटी होती है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, विस्कोसिटी दिया हुआ है क्वेश्चन में 10 टू द पावर माइनस 3, क्वेश्चन में देखिए विस्कोसिटी दी हुई है, ये देखिए विस्कोसिटी और डेंसिटी दोनों दी हुई है, वाटर हैज डेंसिटी और वाटर फ्लो हो रहा है, देखिए प्लेस वाटर इन ए वाटर पाइप, ठीक है, सारी चीज़ें दी हुई हैं, बस जब सारी चीज़ें दी हुई हैं तो रेनॉल्ड्स नंबर का बस फार्मूला पता हो, इसमें पुट कर दीजिए, ये आ गया 1.69 10 टू द पावर 6, तो इस तरह से हम रेनॉल्ड्स नंबर निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, नेक्स्ट क्या पूछ रहा है जी, नेक्स्ट पूछा है डेल्टा पी निकालना है, कोफिशियंट ऑफ डिस्चार्ज सी डी दिया हुआ है, आइए देखा जाए डेल्टा पी कैसे निकलेगा, क्यू की वैल्यू फिर दी रहेगी जब डेल्टा पी निकालना है, क्यू का फार्मूला ये होता है सी डी ए टू अपॉन अंडर रूट वन माइनस ए टू अपॉन ए वन होल स्क्वायर अंडर रूट टू डेल्टा पी बाई रो। अब देखिए हमें क्या निकालना है, डेल्टा पी, तो पहले डेल्टा पी के फॉर्म में पूरी इक्वेशन को सेट कर लीजिए, ये आ गया, बाद में हम पुट करेंगे, ठीक है। अब देखिए देखिए क्यू की वैल्यू है ये 0.08 मीटर क्यूब पर सेकेंड, सी डी की वैल्यू है 0.99, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में। उसके बाद ए टू बाई ए वन होल स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर कर दीजिए, ये ए टू फिर पुट कर दीजिए, ये रो की वैल्यू, रो आप कितना, वाटर, वाटर फ्लो हो रहा है ना, वाटर की डेंसिटी होती है 1000 1000 बटे 2, तो ये हो गया। इसमें कुछ ऐसी चीज़ नहीं है जो पता नहीं है, सारी चीज़ें सब कैलकुलेटेड है, बस लास्ट में पुट करोगे बस आपका आंसर आ जाएगा, बहुत आराम से करिएगा, देखिए जैसे जैसे किया गया स्टेप वाइज स्टेप वाइज, और जल्दबाजी में आंसर गलत आ सकता है। तो इसका आ गया आंसर 359.901 इंटू 10 टू द पावर 3, चूँकि यूनिट किसमें आएगी, सब अपनी यूनिट में है, तो ये आएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, यूनिट का ध्यान देना है, तो प्रेशर की यूनिट आ गई न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। ठीक है, इस तरह से प्रेशर अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम प्रेशर का डिफरेंस आ गया 359.901 इंटू 10 टू द पावर 3 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन यहाँ से कंप्लीट होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर वेंचुरी मीटर की ही केस है, इसके पहला वाला भी वेंचुरी मीटर का ही डिस्कशन था। तो इसमें ऑयल फ्लो रहा, देखिए वेंचुरी मीटर को यूज किया जा रहा है क्या मेजर करने के लिए, फ्लो रेट ऑफ ऑयल जिसकी डेंसिटी है 850 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो इसको क्या कर रहा है, पाइप हमारी वर्टिकल है, ठीक है वर्टिकल है, तो और फ्लो कैसे हो रहा है, डाउनवर्ड्स ऊपर से नीचे फ्लो हो रहा है ऑयल, ठीक है कोई बात नहीं, वर्टिकल हो उसे कोई दिक्कत नहीं। इनलेट एंड थ्रोट, ठीक है ये डायमीटर दिए हुए हैं, बस ये इसमें बस ये है कि ये वर्टिकल हो गया। इस क्वेश्चन में ये है कि जो हमारा अब तक अभी दोनों क्वेश्चन मैंने देखा उसमें वर्टिकल नहीं था, तो ये वर्टिकली हो गया। बाकी दोनों प्रेशर दिया हुआ, P1 दिया है और P2 दिया है, मतलब इन कितना हुआ और थ्रोट पे कितना हुआ, ठीक है। और इनलेट और थ्रोट की बीच का डिस्टेंस जो है 0.5 m दिया हुआ है, ठीक है। डिस्चार्ज कोफिशिएंट दिया 0.95, हमें क्यों निकालना है। अब देखिए इसको हल्का सा डायग्राम बना लीजिए, और जितनी चीज़ें हैं देखिए ये ऐसे वर्टिकली रखा हुआ है, ठीक है, और वैसे फ्लो हो रहा है, ऐसे फ्लो हो रहा है, हमें निकालना क्या है, वॉल्यूम फ्लो रेट क्यों निकालना है, क्यों के लिए सारी चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। देखिए यहाँ जीरो आएगा 850, देखिए डेंसिटी दिया है जो इससे फ्लो हो रहा है उसकी डेंसिटी 850 केजी पर मीटर क्यूब, ठीक है। पहला डायमीटर है इनलेट वाला 0.3, थ्रोट वाला जो पतला छोटा वाला है वो 0.2 m है। प्रेशर का डिफरेंस निकाल लीजिए दोनों प्रेशर को माइनस करके, सीडी दिया है 0.95 h, ये इनके और इनके बीच का गैप जो है डॉटम लाइन, ठीक है ये तो डॉटम लाइन ये हो गया, ठीक है रिफरेंस जो लेके चलते हैं। बाकी एच जो है दोनों इनलेट और थ्रोट के बीच का गैप है 0.5 मीटर दिया होगा। यहाँ देखिए यही चीज़ है ना, ये दिया है 0.5 है, ठीक है। फटाफट एरिया निकाल लीजिए, दूसरा एरिया निकाल लीजिए, ठीक है अपने हिसाब से, जो एरिया A1 बड़ा वाला होता है तो बड़े वाले डायमीटर, A2 छोटा वाला छोटा वाला डायमीटर। उसके बाद आपको क्या करना है, अब देखिए क्वेश्चन में क्या है, वर्टिकली रखा है, हियर हाइट ऑफ द इनलेट एंड थ्रोट इज नॉट सेम, मतलब होता क्या है कि जब हॉरिजेंटली रखोगे तो इस तरह से शेप आएगा ना, जब हॉरिजेंटली रखोगे तो जब रेफरेंस से देखोगे तो ये पॉइंट जो इन हो रहा है, ये पॉइंट और ये पॉइंट सेम हाइट पर रहेंगे, बट यहाँ ऐसा नहीं है, हाइट ऑफ इनलेट हाइट ऑफ थ्रोट इज नॉट सेम, मतलब ये एक रेफरेंस है सेम हाइट पर नहीं है, क्योंकि ये वर्टिकली रखा हुआ है, ये जमीन या कोई रेफरेंस से डॉटम लाइन से ये इतना ऊपर है, ये वाला इतना ऊपर है, ठीक है तो सेम नहीं है। तो फॉर्मूले में एक्चुअली क्या आता है, हम सेम लेके करते हैं ना, ये वाला जो टर्म आता है तो इसमें एक्स्ट्रा टर्म आ जाएगा 2g डेल्टा h, ठीक है इसको याद कर लीजिए। तो q होता है a2 into v2, तो a2 जो पूरा फार्मूला है वही लिख दीजिए, अंडर रूट बाद में ये जोड़ दीजिए 2g हाइट का डिफरेंस, ठीक है क्योंकि तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं, ये जो डेराइव होता है इसमें h1 और h2 सेम लेके चलते हैं, तो जब h1 h2 सेम नहीं है तो 2g डेल्टा h वाला टर्म एक्स्ट्रा आ जाएगा, बस इसको याद कर लीजिए। अब इसमें पुट किया जाए, ये वाला टर्म एक्स्ट्रा आ जाएगा क्योंकि वर्टिकल है, ठीक है। देखिए सीडी की वैल्यू दिया है 0.95, E2 आप निकाल लिया है, ये भी आपका निकल जाएगा, E2 A1 पता ही है, ठीक है E2 A1 पुट कर दीजिए, उसके बाद अंडर रूट अब आ जाइए 2 हो गया डेल्टा पी, प्रेशर का डिफरेंस आया था 0.4 × 10⁵ इंटू डेंसिटी क्या थी, इसमें ऑयल फ्लो रहा था 850, ठीक है प्लस ये पूरे रूट में है, ये पूरा अंदर यहाँ तक 2 g h, h का
डिफरेंस कितना था इनलेट और थ्रोट के बीच का 0.5 मीटर। बस इसको पुट कर दिया, अब यहाँ सारा पुट हो गया, अब क्या करना है, अब तो क्यों सिंप्लीफाई करना है, तो कैलकुलेटर का काम है, अब इसको सिंप्लीफाई करिए। मैंने इंडिविजुअल जोड़ जोड़ के लिखा है, तो ये आ गया आपका ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ से ये आपका आंसर आ गया 0.33947 m³/s, ये आ गया Q की वैल्यू, क्यों निकालना था ना। तो इसमें बस एक नई नई चीज थी कि ये वर्टिकली माउंटेड है, हॉरिजॉन्टली नहीं है, तो ये एक्स्ट्रा टर्म आपको आएगा, ये बहुत ध्यान रखना है, ये वाला टर्म आएगा इसमें, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ये लिखा है सब मैरीन मूव्स हॉरिजेंटली इन द सी, समुंदर में सब मैरीन जो है वो हॉरिजेंटली मूव कर रहा है, और इसकी एक्सिस है मच बिलो द सरफेस ऑफ द सी वाटर, ठीक है कोई बात नहीं। द पीटो ट्यूब प्रॉपरली प्लेस्ड जस्ट इन फ्रंट ऑफ द सब मैरीन, ठीक है, इज कनेक्टेड इनटू ए डिफरेंशियल प्रेशर गेज, वही है जैसे जैसे एयर एयरप्लेन्स होती हैं, उसमें एयर की वेलोसिटी निकालने के लिए एकदम ऊपर ही हम पीटू ट्यूब लगा देते हैं, तो ठीक है चलो मान लो यहाँ पीटू ट्यूब हमने लगा दिया, तो इसके पीटू ट्यूब डिफरेंशियल गैस से कनेक्टेड है, ठीक है। तो इनके जो दो पॉइंट्स आते हैं ना पीटू ट्यूब में, एक स्टेग्नेशन प्रेशर एक स्टैटिक प्रेशर, तो यही लिखा है द प्रेशर डिफरेंस बिटवीन पीटेड प्रेशर एंड स्टैटिक प्रेशर, तो पीटेड वाले को आप स्टेग्नेशन बोल दीजिए और ये वाला स्टैटिक तो दिया ही है, वाज फाउंड इतना, मतलब दो P1 P2 जो डिफरेंस आता है वो है 10 kN, मुझे बस डेटा से मतलब है आप लोग को, 10 kN/m² हो गया, ये दिया हुआ डेल्टा पी। फाइंड द स्पीड ऑफ द सबमरीन, ठीक है सबमरीन डेंसिटी ऑफ सी वाटर, चलिए इसको और अच्छे से देखा जाए, हमारे पास ये पीटर ट्यूब वाला केस है, पीटो ट्यूब वाला केस है, तो इसमें वेलोसिटी आता है, ये जो पहले फॉर्मूला देख लीजिए तब आपको दिमाग में आएगा 2 ∆P/ρ, जहाँ रो है जो वेलोसिटी निकालते हैं विंड या एयर की वेलोसिटी, जहाँ रो है एयर की डेंसिटी, समझ गए, ∆P क्या है प्रेशर का डिफरेंस, तो यहाँ से वेलोसिटी आ गई एयर की, तो यहाँ जो है ये पानी में सबमरीन रखा हुआ है, तो यहां से क्या आएगा वेलोसिटी, या उसका क्या नाम है वाटर में सब चल रहा ना एक्सपेरिमेंट, तो यहाँ वाटर का आ जाएगा, सी वाटर की डेंसिटी दी हुई है 1026, 1000 वैसे होता है तो इसमें 1026 kg/m³ दिया हुआ है, तो यहाँ से यहाँ वाटर आ जाएगा एयर की जगह, प्रेशर दिया ही है, प्रेशर का डिफरेंस कितना है 20, तो इसमें कुछ करना नहीं है, तो यहाँ से वेलोसिटी आएगा, ठीक है यहां से ∆P पता है, रो आपका वाटर हो जाएगा, भाई ये पानी में कर रहे हो एक्सपेरिमेंट, तो पानी के रिस्पेक्ट में ∆P आया है, पानी के हिसाब से तो वाटर का लोगे फिर, ठीक है तो वाटर आ जाएगा, तो वेलोसिटी आ जाएगी ये, ठीक है ∆P इस तरह से लिखा हुआ है 2 ∆P/ρ, ये आ गया आपका, ठीक है। अब देखिए इसमें लिखा हुआ क्वेश्चन में स्पीड ऑफ द सबमरीन, जनरली हम लोग बोलते हैं जैसे एयर में एक्सपेरिमेंट करेंगे तो एयर लिखते हैं स्पीड ऑफ द एयर, ये क्या है यही बात यहाँ समझाने के लिए चीज लिखी हुई है, यहाँ क्वेश्चन में लिख दिया स्पीड ऑफ द सबमरीन, आपको लग रहा होगा स्पीड ऑफ द वाटर होना चाहिए, ठीक है देखिए हो क्या रहा है, प्रेशर आपने निकाल लिया, तो प्रेशर डिफरेंस क्यों है वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड, जो वाटर फ्लो हो रहा है उसकी और सबमरीन चल रहा है उसकी वजह से, तो एक तरह से ये प्रेशर डिफरेंस दोनों के वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड और सबमरीन के मोशन की वजह से है, तो यहाँ जो है वेलोसिटी यही रहेगी
सबमरीन वाली, ठीक है, सबमरीन की वेलोसिटी भी यही रहेगी, क्योंकि वो रिलेटिव आता है तो वो इस केस में भी सबमरीन वाला यही रहेगा, तो ये आपका सबमरीन हो जाएगा। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, दो पॉइंट दिए हैं, बस इसमें डेटा आपको पुट कर देना है, v इक्वल टू 2 डेल्टा p बाई रो, p दिया हुआ, रो दिया हुआ है, बस आपका वेलोसिटी आ गया, ये वेलोसिटी अब सबमरीन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में तो पहले यहां चेंज कर लीजिए हम मीटर रखेंगे। आइए अब क्वेश्चन है, कैलकुलेट द जनरेटेड ईएमएफ बाय द मैग्नेटिक फ्लो मीटर इफ ordinary tap water flows at the rate of 400 lines per minute through its tube of 4 cm diameter. Assume the maximum flux density of the alternating magnetic field established in the flow meter to be 100 lines per meter square. क्या निकालना? EMF निकालना है। क्वेश्चन देखिए, EMF निकालना है, क्या क्या दिया हुआ है? फ्लक्स लाइन दी है 4000, ठीक है, नहीं तो रेट दिया, ये क्यों दिया हुआ है, प्लस यहां कहीं दिया हुआ था, ये 4000 लाइंस पर मीटर स्क्वायर कहा गया। इस तरह से ये बी है, क्योंकि बी होता है वेवर पर मीटर स्क्वायर, प्लस होता ना बी, तो बी हो गया 400 इंटू 10 पावर माइनस 4, अच्छा इसमें इसमें डेटा भी चेंज कर लीजिए, एक मिनट, इसमें क्वेश्चन में थोड़ा सा वेरिएशन है, इसमें डेटा आप बदलिए, पहले 400 इंटू पहले से ऐड कर लीजिए 10 टू द पावर माइनस 4, ये प्लस लाइन दिया हुआ है, प्लस लाइन दिया है और यहाँ मीटर में रहेगा, ठीक है, ये है बी की वैल्यू है 400 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 लाइन्स पर मीटर स्क्वायर, तो लाइन्स पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा ये वेबर पर मीटर स्क्वायर, तो ये टेस्ला हो गया, तो बी की वैल्यू ये हो गई और डायमीटर दिया है 8 सेंटीमीटर, तो डायमीटर जो हो गया वो आपका 0.08 मीटर में लिख दिए, और क्या है आपका इस क्वेश्चन में, ये यूज हो गया हमने, अच्छा क्यू की वैल्यू भी 400 लीटर पर मिनट, चलिए 400 लीटर्स पर मिनट, देखिए लीटर पर मिनट, तो इसको हमने लिख दिया 400 बाई 60 लीटर पर सेकेंड, एक मिनट होता 60, तो 60 आ गया लीटर पर सेकेंड, और एक लीटर को हमें मीटर क्यूब में बदलना है, देखिए एक लीटर होता है 1 लीटर इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब या इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 3 मीटर क्यूब, तो इसी को 10 टू द पावर माइनस 3 से मल्टीप्लाई कर दिए, मीटर क्यूब पर सेकंड में आ गया, क्यू की वैल्यू ये आ गई क्यू, बड़ा टेढ़ा मेढ़ा सब चीजें इसमें दी हुई हैं, समझ गए, हमें तो वेलोसिटी चाहिए ना, क्यू मीटर क्यूब पर सेकंड, हमें मीटर पर सेकंड चाहिए, तो हमें एरिया से डिवाइड कर देना है, तो एरिया के लिए पाई डी स्क्वायर बाई 4 डायमीटर दिया हुआ है, तो इसे डिवाइड कर दिया, एरिया आ गया मीटर पर सेकंड, वेलोसिटी आ गई मीटर पर सेकंड। अब देखिए हमें चूंकि ईएमएफ होता है एलवीवी, जहां एल है पाइप की डायमीटर, अब सिंपल क्वेश्चन ये हो गया, एक पाइप से पानी फ्लो हो रहा है जिसमें बी दिया हुआ है, वी दिया हुआ है और एल है जो पाइप की डायमीटर होती है, एल जो है डायमीटर होती है, तो ये तीनों चीज दी हुई है, इसमें बड़े टेढ़े तरीके से दिया हुआ था, इसमें वी नहीं दिया हुआ था, इसमें क्यू दिया हुआ था क्वेश्चन, तो Q को हमने डिवाइड कर दिया एरिया से, तो हमारा आ गया V, B दिया हुआ था लाइंस के फॉर्म में 400 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 लाइंस पर मीटर स्क्वायर, B दिया हुआ था, तो वो हो गया वेबर पर मीटर स्क्वायर, B मिल गया, और L जो है वो आपका पाइप की डायमीटर होगी, ये तीनों दिया है, बस अब आप तीनों इंच को पुट कर दीजिए, और Q जो दिया हुआ था वो हमारा लीटर पर मिनट दिया हुआ, तो हमें मीटर क्यूब पर सेकंड में बदलना है, ठीक है,
तो ये चीज हो गया। इस तरह से हमने सारी चीजों को अपने जो हम लोग नोटेशन लेके चलते हैं, जो यूनिट लेके चलते हैं, उस फॉर्म में हमने कन्वर्ट कर दिया। एल की वैल्यू पुट कर दीजिए, वी की वैल्यू पुट कर दीजिए, बी की वैल्यू पुट कर दीजिए। अब आपका आ गया 4.24 मिली वोल्ट। ठीक है, एक मिनट, यहाँ मीटर रहेगा, इसको हटना नहीं चाहिए। और यहाँ इसकी यूनिट है, इंटू रहेगा इसमें, इंटू 10^-4, मतलब इसका बी दिया हुआ है 400 × 10^-4 लाइंस पर मीटर स्क्वायर। ये इस तरह से हम लोग ईएमएफ करते, ईएमएफ का आएगा ये वोल्ट में आ गया तो मिली वोल्ट में ये हो गया आपका। तो इस तरह से ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लो मीटर बेस्ड क्वेश्चन, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अल्ट्रासोनिक फ्लो मीटर पर ही है। देखिए, एक पाइप से पानी फ्लो रहा, ठीक है, और हमें इसकी वेलोसिटी निकालनी है, कितना तेजी से पानी फ्लो रहा है या वाटर फ्लो रहा है। तो इसके लिए हमने अल्ट्रासोनिक सेंसर यूज किया। एक ट्रांसमीटर यहाँ लिखा दिया, ट्रांसमीटर रिसीवर, दूसरा यहाँ लिखा, ऐसे लगाते हैं, ये वी है, इसकी वेलोसिटी वी है, ये हमें निकालना है। अब ये कह रहा है इन दोनों के बीच को ऐसे अगर जोड़ दिया जाए तो उनकी डिस्टेंस है 25 mm। ट्रांसमीटर और रिसीवर को जब जोड़ा गया तो उसकी डिस्टेंस आई 25 mm, और ये जो एंगल है वो आपका आ रहा है 60 degree। ठीक है, ये 60 दे दिया, L की वैल्यू जो है ये लेंथ, ये 25 है, दोनों के बीच की दूरी जो है 25 mm है, थीटा दे दिया है, और क्वेश्चन में और कुछ कह रहा होगा, सेपरेटेड बाय ये L हो गया, दोनों ट्रांसड्यूसर जो है 25 mm है डिस्टेंस, और जो है 60 degree angle पे है। अच्छा, ट्रांजिट टाइम डिफरेंस बिटवीन अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम डेल्टा टी, ये दिया है 10 ns। साउंड की वेलोसिटी है जो अल्ट्रासोनिक है, अल्ट्रासोनिक क्या है, ध्वनि है, आवाज है, उसकी वेलोसिटी है 1000 m/s। ठीक है, एकॉस्टिक सिग्नल है, एकॉस्टिक सिग्नल है, उसकी जो है वेलोसिटी है, अल्ट्रासोनिक जो है एकॉस्टिक सिग्नल है, वो हमें सुनाई नहीं देगा क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी हमारी रेंज से बाहर होती है। तो उसकी जो है वेलोसिटी दिया हुआ 1000 m/s। उसके बाद क्या है, एज्यूम द साइज ऑफ द ट्रांसड्यूसर इज वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू द डायमीटर ऑफ द पाइप, कैलकुलेट द फ्लो वेलोसिटी। एज्यूम दैट साइज ऑफ ट्रांसड्यूसर इज वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू डायमीटर ऑफ पाइप। डायमीटर ऑफ पाइप आपका ये है और ट्रांसड्यूसर की ये लगे हुए हैं। ठीक, देखते हैं। चलिए, एल थीटा ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, और हमें वी निकालना है। अब देखिए, डेल्टा टी दिया हुआ है, तो डेल्टा टी वाला फॉर्मूला ये है। अगर डेल्टा टी दिया हो, डेल्टा टी इक्वल टू 2 LV cos θ / C²-V²cos²θ, बस इसमें हमें क्या निकालना है, वी निकालना है, बस पुट कर दीजिए। cos 60 होता है 2 LV cos 60, पहले हमने cos 60 पुट किया, थोड़ा सिंपल हो जाए, क्योंकि इसमें है क्या है ना कि v निकालना है, और v ऊपर और नीचे दोनों आ रहा है, नीचे स्क्वायर के फॉर्म में आ रहा है, तो अभी हमने वैल्यू नहीं पुट की है, अभी एक क्वाड्रेटिक बन जाएगा ना, इसलिए हम अभी वैल्यू नहीं पुट करें, अभी केवल cos थीटा की वैल्यू पुट करें। तो ये आ गया, देखिए इसके बाद हमने मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया, इसके बाद ये आया, इसके बाद ये आया, तो ये टर्म आया। अब इसमें वैल्यू चाहे पुट कर लीजिए, हमें क्या निकालना है, वी निकालना है, वी स्क्वायर के फॉर्म में आ रहा है, तो ax² + bx + c, जहाँ वी है हमारा अननोन, तो -b + √b² - 4ac - आएगा। एक मिनट, माइनस कर लीजिए, ठीक है, ये हुआ x। तो इसी में आप सारा डेटा पुट कर लीजिए और आंसर आपका आ जाएगा। अभी मैंने यहाँ लिखा नहीं है एग्जैक्टली क्या आ रहा है, आप पुट करेंगे तो आएगा। ठीक है, इसको केवल सिंप्लीफाई करना, अब इसमें डेटा पुट करना है,
दूसरे मेथड से देखा जाए, ये तो काफी लेंदी है, अगर कैलकुलेटर नहीं है तो काफी मुश्किल हो जाएगी। और कैलकुलेटर में ये पता होना चाहिए क्वाड्रेटिक, या तो ऐसे निकालो या आपको डायरेक्टली पता होगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं, तो ही बहुत आसानी से आएगा, अदरवाइज तो बहुत इसको निकालना ही वो है। चलिए दूसरा मेथड देखिए, हम कहां ये वाला इक्वेशन कहां से आया, देखिए वी स्क्वायर फोर एल अपॉन डेल्टा टी, इसमें डेल्टा टी से डिवाइड कर दीजिए। हमें तो है कि जल्दी से कैलकुलेशन आए ना आंसर, इसमें डेल्टा टी से डिवाइड कर दीजिए और जो आए वो एक यहां लिखा गया है, फोर एल अपॉन डेल्टा टी, फोर सी स्क्वायर डेल्टा टी अपॉन डेल्टा टी, यही है, इसी को डेल्टा टी से डिवाइड कर दीजिए दोनों पक्षों में डेल्टा टी से डिवाइड करने पर, और जो डिवाइड करने के बाद ये आया आपका ये नहीं ये टू, ये पार्ट आया, ठीक है। अब वी के फॉर्म में इक्वेशन आ गई, अब इसके बाद क्या करना है, जो वैल्यू है सब पुट कर दीजिए, वैल्यू पुट कर दीजिए, ये फाइनल इक्वेशन आ गया। तो वी होता है माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी आएगा जी, एक मिनट, अच्छा निगेटिव है ना यहाँ, ओ ओ ओ ओ ओ सॉरी सॉरी, अच्छा इसमें भी हमने कुछ ऐसा गड़बड़ तो नहीं किया, नहीं ठीक है, अच्छा यहाँ निगेटिव था इसलिए प्लस, वो सही लिखा हुआ था जी, नहीं ठीक है, ये सही लिखा हुआ है, वो हमें बस फॉर्मूला पता है ना, बी स्क्वायर माइनस फोर सी सही लिखा हुआ, चूंकि यहाँ निगेटिव था ना, ठीक है सही है, तो वो ठीक है अपने हिसाब से वो जो आ रहा है ठीक है। चलिए तो इसमें बस पुट कर दीजिए, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू एन टू ए, अब पुट करिए, इतना हमने विदाउट कैलकुलेटर किया है इस तरह से, लास्ट में यहाँ शायद कैलकुलेटर यूज करना पड़ेगा रूट निकालने के लिए, उसके बाद देखिए क्या आ रहा है 0.4 मीटर पर सेकेंड, इसको एक बार स्टेप देख लीजिए कैसे किया गया, तो यहां से आ गया 0.4 मीटर पर सेकेंड। चलिए और तीसरा मेथड देखा जाए डेल्टा टी, मतलब हम अप्रोक्सीमेट, अभी इस वाले में तो हम कोई अप्रोक्सीमेशन नहीं किए अभी तक के मेथड में, इस वाले में हम अप्रोक्सीमेट करके देखते हैं क्या होता है। डेल्टा टी है 2lb cos थीटा अपॉन c स्क्वायर माइनस v स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, c की वैल्यू जैसे दी रहती है 1000 दिया हुआ है इस क्वेश्चन में मीटर पर सेकेंड, भाई ध्वनि है, ध्वनि की वेलोसिटी बहुत ज्यादा तेज होती है, तो सी स्क्वायर भी बहुत ज्यादा होगा वी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा से, तो इसको हम ये वाले टर्म को नेग्लेक्ट कर सकते हैं क्योंकि ये जो है इसके रिस्पेक्ट में बहुत कम है। तो अब देखिए फाइनली हमारा ये आ गया डेल्टा टी 2lb cos थीटा अपॉन c स्क्वायर, तो हमें जो निकालना है अब देखिए कितना सिंपल हो गया, v हो गया डेल्टा टी c स्क्वायर अपॉन 2l cos थीटा, अब डेल्टा टी है पुट कर दिए 10 नैनो सेकंड, c की वैल्यू है 1000, तो 1000 का स्क्वायर हो गया, 2l की वैल्यू है 25 * 10 टू द पावर माइनस 3 मीटर में कर दिए, cos थीटा है cos 60 डिग्री, बस इसको कंप्लीट करिए देखिए एग्जैक्ट 0.4 आ रहा है। तो होता क्या कि वैसे अप्रोक्सीमेशन हर जगह नहीं यूज करना चाहिए, जहाँ ऑप्शंस वाले क्वेश्चन है वहाँ गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि ये ऑप्शन भी दिया रहेगा और वो ऑप्शन भी दिया रहेगा विदाउट अप्रोक्सीमेशन वाला, तो आप करके तो चले जाओगे और वो आंसर आ जाएगा गलत। यहाँ तो चलिए काफ़ी क्लोज का ऑलमोस्ट सेम ही आ गया है, बट ऐसा होता नहीं है, तो अप्रोक्सीमेशन ये है कि जब बिल्कुल ही टाइम नहीं है और आपको तड़ाक दे निकाल के आगे बढ़ना है तो अप्रोक्सीमेशन वाले से कर सकते हो, अदरवाइज इसको अवॉइड, मतलब जहाँ ऑप्शन वाले हैं वहाँ की बात कर रहे हैं, जो ऑप्शन रहेगा तो वहाँ गलत होने के चांसेस हैं। चलिए ये आ गया आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, पीटो ट्यूब के यूज कर रहे हैं फॉर द मेजर ऑफ वेलोसिटी ऑफ वाटर, अच्छा वाटर फ्लो हो रहा है और हम वाटर को कैसे मेजर कर रहे हैं पीटो ट्यूब की हेल्प से, वाटर की डेंसिटी है 1000। अब देखिए ये कह रहा है कि जो डिफरेंशियल प्रेशर आ रहा है 10 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, जो हमारा पी स्टैग्नेशन और पी स्टैटिक डेल्टा पी आता है ना वो 1000 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। चलो वेलोसिटी निकालो फ्लो की, कितनी तेजी से पानी बह रहा है,
चलो वेलोसिटी होती है अंडर रूट 2 डेल्टा पी बाई रो, ठीक है 2 डेल्टा पी है 10 किलो न्यूटन, 10 इंटू 1000 अपॉन रो, क्या वाटर बह रहा ना, तो वाटर जैसे एयर था तो एयर की लेते थे, यहाँ वाटर फ्लो हो रहा है तो वाटर की लोगे, तो ये आ गया 4.47 मीटर पर सेकंड। ये सबसे छोटा क्वेश्चन है इस पूरे नोट्स का। उसके बाद दूसरा है, कह रहा है इसी को पूरे हम लोग एयर एयर के लिए कर रहे हैं तो क्या आएगा वेलोसिटी, तो भाई एयर के लिए कर रहे हो तो वेलोसिटी ऑफ एयर होता है 2 डेल्टा पी बाय रो, तो एयर के लिए प्रेशर भी तो अलग आ जाएगा, तो प्रेशर यहाँ आ गया। अच्छा सेम डिफरेंशियल प्रेशर दिया है, चलो ऐसा क्वेश्चन में दिया है कि एयर फ्लो हो रहा है और डिफरेंशियल प्रेशर सेम आ रहा है तो क्या होगा वेलोसिटी, तो एयर फ्लो हो रहा है तो एयर की डेंसिटी यूज करिए, तो एयर फ्लो हो रहा है प्रेशर डिफरेंशियल प्रेशर सेम दिया है 2 डेल्टा पी सेम वही है, और एयर हो रहा है तो एयर एयर के रिस्पेक्ट में यूज करो, जो वाटर फ्लो होगा तो यहाँ यहाँ वाटर की बात हो रही है, वाटर वेलोसिटी ऑफ वाटर तो यहाँ डब्ल्यू वाटर लोग है, तो ये ठीक है। बस इतनी पॉइंट याद रखने की जरूरत है, जो डेंसिटी उस पाइप से फ्लो हो रही है, जो फ्लूड फ्लो हो रहा है उसी की डेंसिटी यूज करनी है, तो ठीक है। एयर की डेंसिटी काफ़ी कम होती है, दिया ही है 0.65 एक के आसपास रहती है, यहाँ 0.65 है, ठीक है जो है वही यूज करिए, तो आ गया ये आपका सॉल्व करना है केवल। तो इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है, ये पीटो ट्यूब बेस्ड क्वेश्चन है, केवल वेलोसिटी निकालनी है, फॉर्मूले में पी और रो की वैल्यू पुट करनी है। चलिए ठीक है, थैंक यू।